हाँ जी बेटा, सभी को जय श्री श्याम। आज अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। हमारे चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। हम शेयर्स की क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो हमारे चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो कंपनी के हमें शेयर की क्या निकालनी है बेटा? वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ठीक है? तो जैसे शेयर्स की वैल्यू निकालने के लिए मेनली बेटा दो तरीके के मेथड यूज किए जाते हैं। फर्स्ट मेथड जो है, इसमें मेथड यूज करेंगे, पहला जो मेथड है वो है नेट एसेट्स मेथड, ठीक है बेटा? और सेकंड मेथड जो है वो इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड। वैल्यू मेथड, सॉरी, फर्स्ट मेथड ही कर रहे हैं अपने। इसका नाम क्या है? नेट एसेट्स मेथड बोल दो, इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड बोल दो, ये फर्स्ट मेथड का ही नाम है। इसका दूसरा, इसका नाम है बुक वैल्यू मेथड भी बोल सकते हैं इसको। मतलब क्या है? ये मेथड फर्स्ट है, इसी के ये नाम है। चाहे आप इसको नेट एसेट्स मेथड बोल दो, इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड बोल दो, बुक वैल्यू मेथड बोल दो, ब्रेकअप वैल्यू मेथड या एसेट्स बैकिंग मेथड भी बोलते हैं बेटा। बेटा ये पहला मेथड है, ये इसके नेम है। आप इसको नेट एसेट्स बोल सकते हो या इंट्रेंसिक बोल सकते हो या बुक वैल्यू बोल सकते हो या ब्रेकअप वैल्यू बोल सकते हो या एसेट्स बैकिंग मेथड भी बोल सकते हो। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ये इसी के निकनेम है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, ठीक है? तो इसमें शेयर्स की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट एसेट्स मेथड के अंदर या इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड के अंदर हम शेयर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? इसके अंदर ऑल एसेट्स टेकन एट फेयर मार्केट वैल्यू। FMV का मतलब क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू। ऑल एसेट टेकन एट फेयर मार्केट वैल्यू, जो भी एसेट्स है उनके आप क्या ले लीजिए? फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए, ठीक है? इंक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल। मतलब आपको शेयर की वैल्यू निकालने के लिए ऑल एसेट्स लेनी है, ठीक है? इंक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल। मतलब शेयर की वैल्यू निकालने के लिए एसेट्स की वैल्यू लेनी है, और एसेट्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड करना है और गुडविल को भी इंक्लूड करना है। सर ये क्यों बताया? क्योंकि बेटा हमने इससे पहले जो चैप्टर किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए अपने क्या करते हैं? गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए अपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेते थे और एक गुडविल की वैल्यू नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि मैंने उस टाइम यह बताया था आपको कि बेटा हम गुडविल की तो वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना? गुडविल की तो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो गुडविल की वैल्यू नहीं लेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम शेयर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी लेंगे और गुडविल भी लेंगे, बट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेंगे। जैसे पेंडल का डेबिट बैलेंस हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया बेटा। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब हो गया कि वो एसेट्स जो नाम मात्र की है, कृत्रिम संपत्ति है, जिनकी मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो उनको हम नहीं लेंगे। और बिल्कुल सही है, गुडविल निकालते समय भी हम फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेते थे। जो भी एसेट्स होगी वो सारी ले लेंगे, उसमें से हम लेस करेंगे बेटा लाइबिलिटी। जितनी भी लाइबिलिटी होगी उसको माइनस कर देंगे, ये आपकी कहलाएगी नेट एसेट्स। अवेलेबल टू शेयर होल्डर, एस एच लिखा है। एस एच का मतलब क्या बेटा? शेयर होल्डर। अगर कंपनी में बेटा प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, तो प्रेफरेंस शेयर को हमने एक चैप्टर किया था लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी से पहले मिलेगी पेमेंट, तो इसमें से लेस कर देंगे बेटा अपने प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस कर दी, उसके बाद जो नेट एसेट्स बचेगी, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये आएगी नेट एसेट्स। किसके लिए बची बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बची। आई मेरी बात समझ में? ये नेट एसेट्स टोटल बची, उसमें से प्रेफरेंस को पेमेंट करने के बाद है, तो ये बचेगी, ये नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होगी बेटा, ठीक है। अब शेयर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनना। वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स, तो नेट एसेट्स से अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से। डिवाइड किससे करेंगे बेटा? नंबर ऑफ शेयर से। हम नंबर ऑफ शेयर से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा बेटा वैल्यू पर शेयर। बिल्कुल सिंपल है। अगर ऐसे ही आपको वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर की निकालनी हो, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो आपकी थी वो उसके हिस्से में आया, वो डिवाइड किससे कर देंगे? नंबर ऑफ शेयर से। देखो इसको एक सिंपल एग्जांपल से भी समझते हैं बेटा अपने, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, उसमें नॉर्मली मान लेते हैं ए बी सी डी और ई, ये पांच शेयर होल्डर हैं। ये कितने शेयर होल्डर है बेटा? फाइव शेयर होल्डर हैं, ठीक है। मान लीजिए इसके पास शेयर है दो, इसके पास है तीन, इसके पास है पांच, इसके पास है दस और इसके बाद 30 शेयर्स हैं, तो ये टोटल शेयर कितने होगी बेटा? 50 शेयर्स हो गए। कितने शेयर्स हो गए? 50 शेयर्स, ठीक है। तो ये 50 शेयर्स हो गए बेटा, और इस कंपनी में मान लीजिए नेट एसेट्स जो आई, नेट एसेट्स कैसे आएगी? सभी एसेट्स का टोटल करो फेयर मार्केट वैल्यू से, लेस क्या कर दो बेटा उनकी लाइबिलिटी की, जो पेमेंट करने के बाद जो बचेगा वो नेट एसेट्स है बेटा। वो नेट एसेट्स मान लीजिए आपकी आ गई 10,000, कितनी आ गई बेटा? 10,000। तो नेट एसेट्स कितनी? 10,000। अब टोटल शेयर कितने हैं? हमने ये माना कि ये जो शेयर है वो एक शेयर 10 रुपी का है, कितने का बेटा? 10 रुपी का, ठीक है, या 100 का, जो भी है इक्वल है, मतलब ये शेयरों की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा? इक्वल है। तो ये 10,000 रुपी नेट कंपनी के पास बचते हैं लाइबिलिटी की पेमेंट करने के बाद, तो ये 10,000 जो बाद में बच गए ये किसको मिलेंगे बेटा? शेयर होल्डर को मिलेंगे। और शेयर होल्डर है कितने? शेयर होल्डर तो पांच है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ शेयर 50 है, ठीक है। तो अपने को डिवाइड किससे करना है? नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 50, तो 50 से डिवाइड किया बेटा, ये कितना आएगा बोलो? मतलब ए 5 2 10 और 00 थी वो आ गया 5 2 जा, हाँ ठीक है। मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी? 200 रुपए। मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 200। अब ध्यान से सुनना, ए के पास कितने शेयर है? 2, तो इसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 200, तो मल्टीप्लाई बाय 200, 200, एक शेयर की वैल्यू कितनी? 200, एक शेयर की वैल्यू कितनी? 200, एक शेयर की वैल्यू कितनी? 200। अब बेटा देखो 200 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया बताओ? 400, ये कितना आ गया? 600, ये कितना आ गया? 1000, ये 10 मल्टीप्लाई कितना आ गया बोलो? 2000, और ये 2000 200 मल्टीप्लाई बाय 30, 200 गुणा में 30 कितना आ गया बेटा बताओ? ये आ गया बेटा आपका 6000, 6000। अब देखो ध्यान से सुनना, 6000 और 2000 कितने हो गए? 8000, 8000 और 1000 कितने हो गए? 9000, 9000 600 और ये 4 हो गया बेटा, कितने हो गए? 10000। ये देख लो वैल्यू कितनी आ रही, 10। मतलब ये 10000 जो वैल्यू थी नेट एसेट्स, ये इस तरीके से इनमें आपस में क्या हो गई बेटा? डिवाइड हो गई, वही वैल्यू आई है। तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने से एक शेयर की वैल्यू आएगी, जिस शेयर होल्डर के पास बेटा, जिस शेयर होल्डर के पास, जिस शेयर होल्डर के पास जितने शेयर है वो उतनी वैल्यू होल्ड करेगा, उतनी वैल्यू उसके हिस्से में आ जाएगी बेटा। तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज करके हम वैल्यू क्या करते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जैसे थे, मैंने काफी क्वेश्चन तो करा दिए थे आपको, लगभग 7-8 क्वेश्चन, लेकिन सारे क्वेश्चन अपने हैं जो है वो दोबारा से करेंगे बेटा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ, सभी अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो निकाल लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लीजिए बेटा।